आज 26 अक्टूबर, और देख लेते हैं आज के न्यूज़पेपर में आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में लिंक को शेयर करें। तो पहली न्यूज़ है कि चुनाव आयोग द्वारा मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए अभिनेता राजकुमार राव को आइकॉन बनाया गया है। तो इससे पहले आपने देखा होगा सचिन तेंदुलकर को आइकॉन बनाया गया था। अभी 5 स्टेटों में चुनाव हैं, तो उसको देखते हुए इन्हें जो बनाया गया है राजकुमार राव को। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है हाल ही में निर्वाचन आयोग द्वारा किस अभिनेता को आइकॉन बनाया गया है, तो ये है राजकुमार राव। नेक्स्ट चलते हैं, 22 जनवरी को रामलला को गर्भगृह में प्रतिष्ठित करेंगे पीएम। तो आपको बताना चाहिए क्या डेट पूछी जा सकती है यूपी के कोई भी एग्जाम में, 22 जनवरी को ये किया जाएगा। नेक्स्ट है, एनसीईआरटी की नई किताबों में इंडिया की जगह भारत शब्द की सिफारिश की गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये सिफारिश किसने की थी? तो एनसीईआरटी निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी की ओर से सिफारिश की गई है। चलिए नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में बनेंगे किट्स जोन। आपको बताया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ पर होगा, 14 से 27 सितंबर तक ये प्रगति मैदान में आयोजित किया जाना है। इसका उद्घाटन किया जाएगा राष्ट्रपति जी द्वारा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, अमेरिका के सर्वोच्च विज्ञानी पुरस्कार से सम्मानित किए गए 2 भारतवंशी। आप कौन कौन है वो देख लेते हैं। सर्वोच्च विज्ञानी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अशोक गाडगिल को, पहले व्यक्ति तो ये हो गए। दूसरे हो गए, वाशिंगटन स्थित व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने विज्ञानी सुब्रा सुरेश को सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो 2 नाम आपको पता होने चाहिए, अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश। देखिए जिस तरीके से इसराइल और हमास के बीच में, फिलिस्तीन के बीच में युद्ध चल रहा है, उसी साइड से आपने देखा दूसरी ओर रसिया भी एक्टिव हो गया यूक्रेन को लेकर। तो रसिया ने यूक्रेन के परमाणु संयंत्रों पर दागे 11 ड्रोन। तो अब देखिए आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कितने ड्रोन दागे, कितने नहीं दागे, कितने दागनी चाहिए थे, कितने नहीं दागनी चाहिए थे। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये रहता है कि रसिया की लोकेशन क्या है और ये यूक्रेन की लोकेशन क्या है। उसके आसपास में जब युद्ध चल रहा है इसराइल का फिलिस्तीन के साथ में, तो वेस्ट बैंक की लोकेशन क्या है, जॉर्डन की लोकेशन क्या है, और इसके साथ में सीरिया की लोकेशन, लीबिया लेबनान की लोकेशन, उसके साथ में मिस्र की लोकेशन, या भूमध्य सागर से जो भी देश लगते हैं उनकी लोकेशन क्या है, तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। या फिर इसके साथ ही काले सागर की लोकेशन, काले सागर से कौन कौन से देश लगते हैं, भूमध्य सागर से कौन से देश लगते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप जो है मैप में देख लीजिए, अदरवाइज हम जो है उसका पूरा कवर कर देंगे एक क्लास के अंदर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने कार्यवाहक सरकार की उपयोगिता पर उठाए सवाल। अब चीफ जस्टिस कौन है यहाँ के, यहाँ के चीफ जस्टिस हैं काजी फैज ईसा। तो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। चाइना ने बोला है कि अमेरिका क्षेत्रीय शांति और स्थिरता का सबसे बड़ा अवरोधक है, क्योंकि ये होता क्या है कि कई जगह, मतलब विशेषज्ञों का ये कहना है कि पहले ये देखिए इसमें कोई बात छुपी नहीं है कि अमेरिका एक है तो मतलब हथियारों का निर्यातक देश है, अधिकतर जो इकोनॉमी है उसकी हथियारों पर डिपेंड है। तो ये कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हथियारों को जो एक्सपोर्ट किया जाए। अब एक्सपोर्ट करने के लिए मार्केट में डिमांड भी होना जरूरी है, तो मार्केट में डिमांड क्रिएट करने के लिए कभी कभी ये सारी चीज़ों का सहारा लिया जाता होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, गोवा में देखिए प्रधानमंत्री आज जो है 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे। तो आपको बतानी चाहिए कि कहाँ पर ये 37वें राष्ट्रीय खेल कहाँ खेले जाने हैं, तो ये जो है गोवा में खेले जाने हैं। अब इसमें कितने प्रतिस्पर्धाएँ हैं, तो इसमें इस बार जो है 43 स्पर्धाओं में देश भर में लगभग 10,000 जो है एथलीट भाग ले रहे हैं इसमें। अब कितने एथलीट भाग ले रहे ये नहीं पूछा था, बट ये पूछ लिया था कि कितनी स्पर्धाएँ हैं पूरी। देखिए मतदाताओं को प्रेरित करते दिखेंगे अभिनेता राजकुमार राव, चुनाव आयोग ने उन्हें आइकॉन बनाने का फैसला कर लिया, तो जाहिर सी बात है बनाए देंगे। इससे पहले सचिन तेंदुलकर को बनाया गया था आइकॉन। नेक्स्ट, उत्तराखंड की जमरानी बांध परियोजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसका नाम, बांध का नाम पूछा जाता था, कौन सा जमरानी बांध हाल ही में चर्चा में रहा है, किस राज्य से संबंधित है, उत्तराखंड से संबंधित है ये। नेक्स्ट देखिए, निवेश आकर्षित करने में चुनावी राज्यों में मध्य प्रदेश सबसे आगे है अभी। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ है, शीर्ष 10 में शामिल बंगाल के शिक्षक दीप नारायण हो सकता है कि टॉप में आके इनको जो अवार्ड दे दिया जाए। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, लोगों को प्रेरित करने के लिए इसरो प्रमुख सोमनाथ ने आत्मकथा लिखी है, और ये आत्मकथा इन्होंने लिखी है मलयालम में। तो पूछ लिया जाता है कि हाल ही में सोमनाथ ने, मतलब ये जो है कौन सी, मतलब उसमें भाषा में लिखी है, तो मलयालम में लिखी है ये। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है, पीएम मोदी करेंगे इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन। ये कहाँ पर किया जाएगा, ये किया जाएगा नई दिल्ली में। उसके बाद चलते हैं, विकसित भारत का रोडमैप बना रहा है नीति आयोग। तो अभी जानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था का आकार कितना है अभी,
तो 3.6 ट्रिलियन डॉलर भारत की अर्थव्यवस्था का आकार है, जो 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर तक अर्थव्यवस्था को ले जाने का लक्ष्य रखा जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दक्षिणी गाजा में भीषण बमबारी, 344 बच्चों सहित 756 लोग जो मारे गए हैं। तो ये कितने लोग मारे गए ये इंपॉर्टेंट नहीं, बट इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरा ये देखिए, अमानवीय कार्य है। इसराइल ने क्या हुआ था कि उत्तरी साइड से लोगों को जो दक्षिणी मतलब गाजा में भेजा था, और जैसे ही ये दक्षिणी गाजा में पहुँचे, इसराइल ने जो वहाँ पर बमबारी स्टार्ट कर दी। अब ये बहाना ही बनाया कि उसमें एक आतंकवादी छुपा था, ये दो आतंकवादी छुपे थे। भाई अगर एक आतंकवादी छुपा था तो उसमें 344 बच्चे और मतलब टोटल 756 मारने की क्या ज़रूरत थी? अगर आप इतने कैपेबल थे तो एक आदमी को मारते उसे, उसके आड़ में करके, ये तो जस्ट एक बहाना होता है उसके आड़ में करके क्यों बच्चों को मार रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक मतलब अमानवीय कार्य है जो इसराइल द्वारा किया जा रहा है। एक तरीके से भी ये गाजा पट्टी पर मतलब कब्जा करने की वो है, और दूसरी साइड से ये है कि गरीब बच्चों को और ये मतलब महिलाओं को क्या है कि मतलब टारगेट निशाना बनाया जा रहा है, जिससे कि आगे इनके दूर मतलब दृष्टि जो लक्ष्य इन्होंने अपना रखे हैं, खैर उस पर बात नहीं करते हैं अभी। फिलहाल ये है कि हमास के आतंकी संगठन घोषित करे भारत, ये जो गिलोन ने बात बोली है। दूसरी ओर तुर्की ने कहा है कि हमास जो आतंकी संगठन है मुजाहिदीन है ये। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये जनसत्ता है 26 अक्टूबर, यहाँ पे भी वही बात की गई है कि इंडिया की जगह भारत भारत को जो पढ़ेंगे अब एनसीईआरटी किताबों में। आप कनाडा में आशा सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। उर्वरकों पर क्या होगा कि 22,000 करोड़ की छूट मंजूर कर दी गई है। देखिए चीन का अनुसंधान पोत कोलंबो के बंदरगाह पहुंचा है। अब इसका पोत का नाम क्या है ये पूछ लिया जाता है। सीयान 6 इसका पोत का नाम है, जो अभी कहाँ पहुंचा है, ये कोलंबो में पहुंचा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला के लिए किसके बीच में समझौता हुआ, भारत और जापान के बीच में समझौता किया गया है। ये गरबा समारोह कहाँ पर होता है, ये गरबा होता है गुजरात में। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये एशियाई पैरा खेलों का आयोजन किया जा रहा है, कहाँ पर, हांगझाउ में आयोजन किया जा रहा है। तो अब भारत ने अभी तक 30 पदक जीते हैं, जब लास्ट मतलब गेम हो जाएगा, लास्ट मतलब अंतिम दिन हो जाएगा, तो देखेंगे भारत ने कितने पदक जीते, कौन सी प्रतिस्पर्धा में कितने पदक जीते, किन किन ने कौन सा स्वर्ण पदक, रजत पदक या कांस्य पदक, किसने कितना क्या जीता है, ठीक है। अभी फिलहाल मतलब इतना ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है इसको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लास्ट न्यूज़ है कि देखिए 13वां ICC विश्व कप हम डेली डिस्कस करते हैं, इसको चल रहा है, उसको हम इसको बिल्कुल लास्ट में डिस्कस करेंगे जब सारे मैच हो जाएंगे, कौन जीता कौन हारा। अभी टॉप पे भारत चल रहा है, फिर दक्षिण अफ्रीका, लेकिन बाद में देखेंगे इसको, ठीक है। तो ये कंप्लीट न्यूज़ हो गई दैनिक जागरण और जनसत्ता की, 5-10 मिनट के अंदर अंदर इसको डिस्कस कर लिया करते हैं, तो मतलब अच्छा रहे ये रहेगा कि आपको डेली के जो है बाद में फिर मैगजीन जो पढ़ेंगे आप प्रीलिम्स के लिए, तो उसमें ज़्यादा परेशानी नहीं होने की है। अब हो सकता है, देखिए अच्छी चीज़ ये है इसमें कि हम 10 मिनट के अंदर कम से कम मिनट तो 10 फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। मैगजीन जब आएगी 1 महीने बाद तो आपके पास में कितने 300 फैक्ट हो जाएंगे तब तक, क्लियर है। तो इनको अच्छे से कर लिया करें, अगर चाहे तो आप नोट में भी इसको अपने नोटबुक में नोट कर लिया करें, 1-2 पॉइंट, इससे बाद में रिवीजन करने में आपको आसानी होगी, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अभी भी जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में लिंक शेयर करें, ठीक है। ओके बाय बाय।